क्वेश्चन है शॉर्ट्स वाला क्वेश्चन वो करना है, तो आप नोट्स ही निकाल लीजिए और नोट्स में मैं आपको बताता हूँ कौन सा पेज नंबर निकालना है। नोट्स में शुरुआत में आप देखेंगे तो शुरुआत में जो पहले 17 पेजेस हैं वो तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर है। 17 पेजेस के बाद में फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू होता है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सब का ऊपर नंबर पेज नंबर लिखा हुआ है, तो आपको पहुँच गया है इसमें पेज नंबर 30 पर आ जाइए। पेज नंबर 30, हमने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि कॉमन सॉल्ट जो है वो कॉमन सॉल्ट कैसे कैसे इसको मिलता है, तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करा था। तो आप पेज नंबर 30 पर बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है इसमें, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो लास्ट क्लास में हमने यही देखा था, एक तो कॉमन सॉल्ट जो है वो सी वाटर से मिलता है और एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट से मिलता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद आगे का हमको करना है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो इसके यूजेस देखिएगा। यूजेस में पहला यूज जो है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, पहला यूज है आप देखिए, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम एटम। तो सोडियम क्लोराइड जो ये होता है ना, NaCl यानी कि जो सॉल्ट होता है, इससे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कास्टिक सोडा जो साफ सफाई के काम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं NaOH। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट पाउडर और ये कपड़े धोने का जो साबुन है वो बनाने के काम आता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जो छोले राजमा वगैरह ही बनाने के काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरिन सोडियम एटम, ये सब भी बना सकते हैं NaCl की हेल्प से। सेकंड यूज देखें, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, इट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। कॉमन सॉल्ट जो है वो खाना बनाने में भी काम आता है, इससे खाने का थोड़ा फ्लेवर भी बढ़ता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी काम करने में मदद करता है सोडियम क्लोराइड, और इसी की हेल्प से HCl प्रोड्यूस होता है जो हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। थर्ड देखिए, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड प्रिजर्विंग मीट एंड फिश। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो पिकल्स को यानी कि अचार को, मीट और फिश, इन सब को भी प्रिजर्व करने के काम आता है। फोर्थ देखिए, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में सोप के मैनुफैक्चर में भी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। फिफ्थ है, कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट फ्रॉम द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। जैसे हमारे यहाँ पर जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पर कहीं बर्फ वगैरह तो गिरती नहीं है, तो जब बर्फ़ नहीं गिरती है तो यहाँ पर हम सुबह सुबह देखेंगे तो सुबह सुबह जो भी जो पब्लिक मेंटेनेंस का ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, PWD जिसको बोलते हैं, तो शायद ये लोग जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वही कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों से साफ सफाई करवाते हैं। तो सुबह सुबह आप ये देखेंगे कि सड़कों के किनारों पर सब जगह झाड़ू लगती रहती है, साफ सफाई होती है, गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में सब जगह साफ सफाई होती है। ठीक इसी तरह से जो ठंडे कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो मतलब रोड पर पूरे पर बर्फ़ गिर जाएगी तो उस पर व्हीकल्स तो स्लिप होने लगेंगे, चल नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ऐसे ट्रक निकलता है और वो सोडियम क्लोराइड नमक को छिड़कता हुआ जाता है चारों तरफ। नमक के छिड़कने से क्या होता है कि जो भी बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फ़ पिघल कर साफ साफ बह जाती है, तो उसको सब जगह नहीं छिड़का जाता है, उसको सिर्फ रोड पर छिड़का जाता है, रोड पर ट्रक चलता रहता है और वो छिड़कता रहता है। तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर है कि प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है कि जब आप नमक उस पर छिड़केंगे तो बहुत जल्दी ही बर्फ़ जो है पिघलना शुरू होता है। आइस और वाटर, मतलब आइस जो है उस वाले फॉर्म में, सॉलिड वाले फॉर्म में, वाटर अपने सॉलिड फॉर्म में, उसके
उसके साथ जब सोडियम क्लोराइड मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड के अंदर भी जो उसके जो गैप्स हैं उसके गैप्स में भी जाने की कोशिश करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाने की कोशिश करता है वो तो सॉलिड है, जो बर्फ है वो तो सॉलिड है, तो वो लगातार कोशिश करता रहता है, लगातार कोशिश करता रहता है, तो बर्फ भी जो है वो धीरे 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 लूजन अप होती है, स्पेसेस बनते हैं उसमें और फिर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और पानी जो है पानी की प्रॉपर्टी नहीं है कि पानी तो फ्लो कर देता है, ये होता है। उसके बाद देखिएगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स बनते हैं, तो आप ये देखिए सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाई वेरियस मेथड्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये तीन जो है ये तीन अलग अलग केमिकल्स हैं जो कि सोडियम क्लोराइड से NaCl से कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। अच्छा, अब यही जो तीनों सॉल्ट्स हैं मैंने आपको बताया भी था, आपके सिलेबस में भी स्पेशली मैंशन है कि ये जो तीनों सॉल्ट्स हैं ये तीनों सॉल्ट्स आपको पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर, तो हमें क्या देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से कैसे बनता है, पहले तो ये देखें, फिर उसके यूजेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, फिर उसके यूजेस देखेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, फिर उसके यूजेस देखेंगे। ये तीन काम करते हैं इस चैप्टर में, बस और कुछ बचा नहीं है इसमें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वाले तीनों बच्चों को? ठीक है, मैंने अभी आप लोग आएंगे तो आप लोगों को मैं हार्ड कॉपी भी दे दूंगा इसकी, मैंने भी नोट्स दिए हैं और गौरी हेतल और अवनी आप तीनों के पास नोट्स होंगे, गौरी और हेतल तुम्हें तो मैंने वो दे दिया था, सॉफ्ट कॉपी भेजी है, और अवनी तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होगी ये वाली इसकी नोट्स की। ठीक है, तो यहाँ से कर रहे हैं इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के पेज नंबर 31 पर जो नोट्स हैं उनमें टोटल 155 पेजेस हैं, शुरुआत के 17 पेजेस केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन के हैं, और उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर शुरू हो जाता है उसके पेज नंबर 31 पर है। तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको ब्राइन बोला जाता है। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या है, आपने पानी मिक्स नहीं करा उसके अंदर, आप उसको गर्म करते गए नमक जो है सिर्फ नमक है उसको हम गर्म करते जा रहे हैं, तो एक लिमिट तक तो नमक सॉलिड के फॉर्म में गर्म होगा, उसके बाद वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा ना लूज होना शुरू होगा और ऐसा हो जाएगा जैसे कि पेस्ट हो, जैसे कि नमक का पेस्ट हो, इस तरीके का बन जाता है वो एक लिमिट के बाद। ठीक, और उसी सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं ब्राइन, BRIN ब्राइन। तो ये लिखा हुआ है NaCl एक्वस। हम ये देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, अपनी एक्वस फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और H2O इसमें हमने थोड़ा H2O भी मिक्स कर दिया, तो ये क्या रहता है एक्वस फॉर्म में जो सोडियम क्लोराइड होता है दिस इज कॉल्ड ब्राइन, ये तो वाटर है, तो आपने वाटर मिक्स करके उसको क्या बना दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे इसमें से किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और यहां से हमको मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, और आप ये देखिए इस रिएक्शन को तो बैलेंस कर रखा है 2NaCl 2H2O और 2NaOH, ये इसको हमने बैलेंसिंग कर रखी है इसकी। अब देखिएगा इसमें है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड,
एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड पर बनेगी। कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। सॉल्ट सॉल्यूशन है NaCl का सेशन, ये है। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, दो इलेक्ट्रोड्स कॉपर के बना दो, एल्यूमिनियम के बना दो, वो आपकी मर्जी है। ये एक बैटरी है। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है पैरेलल लाइन से, इसको बैटरी का सिंबल बोलते हैं। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है मेटल, उसको हम बोल देते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसको हम बोल देते हैं कैथोड। तो एक तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH तो मुझे मालूम है कि बेस है, तो बेस जो वाटर में सॉल्युबल है उसको क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। तो NaOH बन गया एक, तो साथ में बनेगा Cl2। क्लोरीन जो है, क्लोरीन कैटायन बनाता है या एनायन बनाता है? एनायन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि एनायन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। नेगेटिव आयन कहाँ जाकर चिपकेगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे, एनोड के पास जाएगा क्लोरीन। अब ये कैथोड है, तो कैथोड के पास कौन जाएगा? कैटायन, पॉजिटिव आयन। हमने कहा हाइड्रोजन तो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन वन प्लस की तरह बिहेव करता है, कैटायन की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए ये बोला कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगी एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। ये हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैथोड के पास बनता है और नीचे डिपॉजिट होता है, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ये जो NaCl सॉल्यूशन है इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है और एक एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है। एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस, एक क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है और एक एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोल देते हैं। बात तक समझ गए? अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरे को क्या है कि इस रिएक्शन में मेरे को क्या क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तीनों के यूजेस पढ़ गए। फटाफट पढ़कर बता रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज होता है? इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रायन। के रायन वो होता है जिसका वो बनता है ना, जो ये होता है आपका रेन सूट होता है, उसको पहन लेते हैं। रेन सूट पहनने के बाद में अंदर से कपड़े वगैरह गीले नहीं होते, बरसात का पानी अंदर नहीं जाता, तो रायन वो फाइबर होता है, उससे बनता है NaOH। थर्ड है, इन द मैनुफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने में भी NaOH की जरूरत पड़ती है। इन प्योरीफाइंग बॉक्साइड ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइड ओर से, उसको रिफाइन करने में भी काम आता है। फिफ्थ है, इन डिग्रीसिंग मेटल्स ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। डिग्रीसिंग मेटल्स के मेटल्स जो है वो मेटल में बहुत सारी ग्रीस लगी हुई है, उसको डिग्रीस करना, उसकी ग्रीस हटाना, उसमें भी काम आता है। तो ये वही चीज़ होगी ना, जैसे हमने बताया था कि बर्तन में बहुत गंदे हो जाते हैं, उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड जरा सा डालो, पानी मिक्स करो, उसमें सारा बर्तन पूरा चकाचक साफ होता है। अगला देखिएगा जी, यूजेस ऑफ क्लोरीन, जो भी यहाँ पर क्लोरीन भी होता है, तो यूजेस ऑफ क्लोरीन में भी, यूजेस ऑफ क्लोरीन इसमें देखिए, टू स्टेबलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेकिंग प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, सुना होगा वो PVC पाइप्स है ना, तो PVC, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म सुना है? क्लोरोफॉर्म तो सुना होगा, क्या होता है क्लोरोफॉर्म? सब कह रहे हैं हाँ, हम बता देंगे क्या होता है।
नहीं सुना, फिल्में नहीं देखते क्या? डिटेक्टिव फिल्में वो जो रुमाल में लगा देते हैं बेहोश, हाँ वही जो बेहोश कर देते हैं, वो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पेंट एटसेट्रा। फिर फिफ्थ है इन मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीन करते टाइम जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ड्राई क्लीन करना है, कपड़े ड्राई क्लीन करना है, तो उसका जो सॉल्वेंट है वो भी क्लोरीन से बनता है, ठीक है जी। ये क्लोरीन के यूजेस हुए, क्लोरीन के बाद में यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूजेस क्या क्या है हमें बताइए। इन द हाइड्रोजनेशन, अच्छा हाँ ये चीज़ नहीं बता, ये सुनिए जरा। इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गरीन। वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी सुना है, वनस्पति घी सुना है, डालडा, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में मस्टर्ड की खेती होती है खूब ज़बरदस्त तरीके से, सरसों की खेती खूब होती है, सरसों का तेल निकलता है, खूब अच्छा तेल होता है। अब धीरे धीरे जो मतलब इंडिया से लोगों ने बाहर जाना शुरू करा, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा तेल होता है, जो सरसों का तेल है बहुत अच्छा तेल होता है। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन, अब इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरसों के तेल की, कि अगर ये कहीं गिर जाए तो फिर आदमी थक जाता है, ये बड़ी मुश्किल से छूटता है, चिपकता बड़ी मतलब किसी भी सर्फेस पर गंदगी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से फिर ये साफ़ होता है। तो अब इसको ट्रांसपोर्टेशन में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैनुअल लेबर इन्वॉल्व होगी ना, मशीनें तो हर जगह काम कर नहीं सकती, और मैन तो फिर भी संभाल कर किसी चीज़ को रख सकता है, मशीन तो एक जगह से यूँ उठाएगी यूँ रखेगी, उसमें कहीं कोई बॉक्स वॉक्स फट गया टूट गया तो दिक्कत। तो क्या करा जाता है, जैसे पीनट ऑयल हो गया, जैसे आपका सोयाबीन का ऑयल हो गया, और आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये जो ऑयल्स हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह से देश विदेश में ट्रांसपोर्टेशन इनका कैसे करा जाता है। इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी ऑयल है कंटेनर के अंदर है, उस कंटेनर को बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दीजिए, और एयर टाइट बंद करने के बाद उसके अंदर एक इंजेक्शन डाल दो, और इंजेक्शन से उसके अंदर हाइड्रोजन इंसर्ट कर दो। हाइड्रोजन का काम क्या होता है, जितना भी ऑयल होता है ऑयल को तुरंत सॉलिडिफाई कर देता है, सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। और इसी को हम ये कहते हैं कि पहले तो वो वनस्पति ऑयल था, वेजिटेबल ऑयल था, हाइड्रोजन मिक्स करते हुए वेजिटेबल घी बन गया, ठीक है। और वेजिटेबल घी कब होगा, जब आप उसकी सील खोलेंगे, उस सील खोलने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन उसके साथ मिक्स हो गया है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो ऑयल को सॉलिडिफाई कर देता है। अब ऑयल, वो जो घी बन चुका है वो वापस ऑयल में कब कन्वर्ट होगा, जब हाइड्रोजन पर डूब हो जाएगी। अब या तो उसको घी को पूरे को फैला दें, उसमें से छांट छांट कर हाइड्रोजन के आयंस बाहर निकालें, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, पानी पागल हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको गर्म कर दो, गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते सबसे पहले कौन इवेपोरेट होता है, गैस ही इवेपोरेट होती है, हाइड्रोजन से गैस, हाइड्रोजन इवेपोरेट हो जाता है। तो जब कभी कभी देखा हो, कभी किसी हलवाई की दुकान पर सुबह सुबह जाना हुआ हो, तो वो सबसे पहले एक कनस्तर खोलता है, कनस्तर खोलने के बाद उसके अंदर एक चमचा डालता है, चमचा डालने के बाद उसके हाथ में वो ऐसा लगता है जैसे घी है, वो घी नहीं होता, वो यही होता है वेजिटेबल घी, ठीक है। वो वेजिटेबल घी में क्या होता है कि उसको डाल दिया, डाला वो नीचे से गैस का बर्नर ऑन करा, और तुरंत एकदम से सरसों के तेल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। देखने में तो घी जैसा लग रहा था, अब सरसों के तेल की स्मेल आ रही है, कुछ मिलावट लगता है, एकदम से दिमाग में आएगा कुछ मिलावट, मिलावट नहीं होती, होती है एक्चुअली मिलावट, हाइड्रोजन मिक्स करा जाता है। तो दैट इज़ जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन में अगर ऑयल आप इधर से उधर लेकर जाएंगे, वो छलकता जाएगा इधर से उधर, पता चला बड़े बड़े महंगे महंगे प्लेन से ख़राब हो गए, इस सरसों का तेल ले जा रहे थे जी अमेरिका, हो गया ख़राब, तो उसको सॉलिडिफाई करने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन का। वैसे हाइड्रोजन का ही ज़माना आने वाला है, आपको पता होगा शायद, फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन है, मालूम है ना, मालूम है ना। और हार्डली 10 या 12 साल है, तो हमारा जो रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी, ये भी बोल चुके हैं कि मतलब आने वाले 8 या 10 साल तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के रहेंगे, क्योंकि लोग मतलब एक पेट्रोल का सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो कुछ लोग CNG व्हीकल्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग डीजल, तो वैसे भी ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है ना। तो आने वाले टाइम में हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर फ्यूल है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जब आप बड़े हो जाएंगे और 8-10 साल बाद, तो 8-10 साल बाद आप लोग देखेंगे स्कूटर्स में, गाड़ियों में, इनमें सब में हाइड्रोजन, पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल ना लेकर हाइड्रोजन मिला करता है, ये फ्यूचर फ्यूल है इंडिया का। तो हाइड्रोजन की बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन आने वाली है। हाँ ऐसे कैसे कह सकते हैं, कोई बात नहीं, क्या पता उसकी और अच्छी हो, क्या पता चलता है। पेट्रोल वाली
धीरे धीरे वैसे खत्म हो जाएगा भाई। 15 साल या 10 साल की एज लिमिट देते हैं ना कुछ, उसके बाद आप वैसे ही नहीं चला सकते। फिर लोग वैसे ही स्क्रैप कराने का तो नया कानून आ चुका है। हम भी गए थे अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराने, रोते रोते वापस आए थे वहाँ से। अगले कई दिनों तक तो गाड़ी की याद आती थी, फिर रोते रहे, आज भी याद आ जाती, फिर आंसू आ जाते हैं। तो इमोशनली तो आदमी जुड़े जाते हैं अपनी गाड़ी के साथ। अभी भी एक खड़ी भी है नीचे, वो भी एक्सपायर होने वाली है अक्टूबर में, मन ही नहीं कर रहा देने जाने का। वो पुरानी कहानी याद आ रही क्या, मेरी तो अक्टूबर में स्क्रैप होने वाली है ना। तो मुझे ये लग रहा है मैं क्या करूँगा, और मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं कि मैं इसको इलीगली चला दूँगा यार। पुलिस वाला मेरे को देखेगा मैं साइड से कट मार के निकालूंगा, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। और अगर उसने रोक लिया मैं भागा, वो पकड़ेगा मेरी गर्दन, गर्दन पकड़ के मेरे ऊपर फाइन लगाएगा तगड़ा, है ना। तो मजबूरी है, मजबूरी में तो करना पड़ेगा। चलिए जी, इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो हाइड्रोजन का ये यूज़ भी है अमोनिया फर्टिलाइजर्स के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। फोर्थ है टू मेक मीथेनॉल CH3OH मीथेनॉल। मीथेनॉल का भी यूज होता है, ये इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद जो लगाते हैं सॉल्यूशन से लगाते हैं मीथेनॉल, वही होता है। फिफ्थ है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। आएगा मतलब फ्यूल फॉर रॉकेट है, तो इसलिए हाइड्रोजन की गाड़ी चलाने में मजा आएगा, रॉकेट की तरह जाएगी, ठीक है। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही है कि आयरन शीट्स को साफ करने के काम होता है। बड़े बड़े जो फर्नेसेस होते हैं ना, बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं, पेपर मिल्स हैं, उनकी जो चिमनी है वो भी तो गंदी हो जाती होगी, उनमें डिपॉजिट होने लगता होगा, धीरे 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 कचरा जमा होता है। तो उसको साफ कौन करेगा, कोई चिमनी में चढ़ जाएगा कोई आदमी, वहाँ पर जाकर स्कॉच ब्राइट लेकर और विम बार लेकर टिक्किया रगड़ो बार बार, वो साफ थोड़ी करेगा वहाँ पर। उसको पता चलता जब फिसल गया वहाँ से आया नीचे और सीधा ऊपर ही उठ गया। वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर सारा बाकी का जो स्टाफ है उस सबको उस दिन मेंटेनेंस शटडाउन होता है, किसी भी इंडस्ट्री का मेंटेनेंस शटडाउन बोलते हैं उसको। तो उस दिन बाकी का सारा स्टाफ चला जाता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स का पूरा सूट होता है वो पहनते हैं, और बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े पाइप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जितना भी कचरा है उस सारे कचरे को एकदम से साफ करता हुआ वापस लेकर आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके काम आता है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सच एज अमोनियम क्लोराइड विच इज यूज इन ड्राई सेल्स। तो ड्राई सेल्स आजकल आप देख रहे होंगे गाड़ियों में, स्कूटर्स में ड्राई बैटरी आती है जिसमें पानी वानी डालने की जरूरत होती है, उसमें भी बनाने में काम आता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में उसमें काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन टेक्सटाइल्स डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर डाइज बनानी होती है। टैनिंग इंडस्ट्री मतलब वही कि जो लेदर इंडस्ट्री होती है, जूते वगैरह जो लेदर के बनाते हैं। इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। अगला कंपाउंड देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, अ कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो 3 स्टेप में बनता है ये। मुझे 1 मिनट दीजिए मैं अभी आऊँ।
प्लास्टिक छोड़ा हुआ है एनी मोमेंट आप दूसरा देखेंगे कि एन एस सी एल की हेल्प से दूसरा बनता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? वॉशिंग सोडा बनने के लिए तीन स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, पेज नंबर 33 पर है आपके नोट्स में, पेज नंबर 33 पर है, कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एन एस सी एल फर्स्ट स्टेप, NaCl plus NH3, NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2, NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2। तो NaCl ये ब्राइन के फॉर्म में है, यानी कि ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है इसका, सोडियम क्लोराइड का, साथ में अमोनिया, फिर वाटर थोड़ा सा और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब का रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हियर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड इज ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये पानी में थोड़ा बहुत ही सोल्यूबल होता है, ज़्यादा घुल नहीं पाता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर जो मिला है मेरे को, वो NH4Cl के साथ में मिला है, इसको थोड़ा सा ड्राई कर दिया जाता है और फिल्टर आउट कर दिया जाता है और सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद और हीटिंग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अब हमको यहाँ से
एनसीओ3 जो मिला है इसको हीट कर दिया, एनसीओ3 को हीट कर दिया, हीट करके हमें मिलेगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश प्लस CO2 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड हियर इज कॉल्ड सोडा ऐश। तो यहाँ पर जो मेरे को ये सोडियम कार्बोनेट मिलेगा इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि ये भी लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है ना। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस हाइड्रेटेड, कोई भी चीज़ अगर हाइड्रेटेड है तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। अब जब सोडा ऐश मेरे को मिला है तो अच्छा, अब इसको जब पूरे को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर जैसे हमारे पास Na2CO3 आया तो Na2CO3 को हमने लिया और इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। तो हमने ये देखा है जो सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है, मतलब ये पानी के साथ में एक्चुअली घुलता जाता है, पानी के साथ में ये कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता। तो इसलिए इसको क्या लिख दिया जाता है, इसको ऐसे लिख देते हैं Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट Na2CO3। तो डॉट Na2CO3 इसका मतलब क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये वाटर जो है ये Na2CO3 में मिक्स्ड है, बस ये मिक्सचर है, ये कोई नया कंपाउंड नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि 10 मॉलिक्यूल आपने लिए तो 10 के 10 मॉलिक्यूल इसके साथ एज इट इज जुड़े हुए हैं, कोई नया कंपाउंड नहीं बना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रेट का मतलब है, कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो गई, पानी पी लोगे तो हाइड्रेटेड हो जाएगी आपकी बॉडी। हाइड्रेट का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, और डेका का मतलब क्या है, फिर 10 मॉलिक्यूल्स। ये कुछ टर्म्स होते हैं ना, जैसे नीथ होता है उनके लिए, ईथ होता है उनके लिए, प्रॉप फॉर 3, ट्राई फॉर सॉरी टेट्रा फॉर 4, पेट्रा फॉर 5, ऐसे ही जो नौना है वो 10 के लिए होता है और डेका जो है वो 10 के लिए होता है, नौना 9 के लिए, डेका 10 के लिए, तो डेका हाइड्रेट। अब जो ये वॉशिंग सोडा हमारे पास बना है इसी को हम वॉशिंग सोडा बोल देते हैं, अब जो वॉशिंग सोडा बना है वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फिर इसके कुछ यूजेस देखें। प्रॉपर्टीज हैं, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो देखने में ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स, तो ये ऐसे कुछ मेटल कार्बोनेट्स में से एक है विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये पानी में घुल जाता है आसानी से, सॉल्यूबल इन वाटर। थर्ड है द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन जो है वाटर में वो एल्कलाइन होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फोर्थ देखिए, वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स, इसमें वॉशिंग प्रॉपर्टीज या फिर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इसको डिटर्जेंट बनाने के काम में लिया जाता है। अगर ये पेज मोड़ने में दिक्कत हो रही हो ना तो एक ये एक्स्ट्रा रिंग है इसको काट देना, ये अटक रहा होगा, ये एक्स्ट्रा रिंग है इसको काट देना कैचेस, ठीक हो जाएगा। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा, तो फर्स्ट देखिए चार यूजेस हैं इसके, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, तो कपड़े धोने के काम आता है वॉशिंग सोडा, पहला यूज। दूसरा यूज देखिएगा, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर जानते हैं, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर जानते हैं, हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स बहुत कम डिजॉल्व होते हैं,
बहुत कम, जिसको हम टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट्स बोल देते हैं, TDS वाली वाटर की। इसीलिए तो घरों में RO और फिल्टर वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। थर्ड है, इट इज़ यूज द मैनुफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, तो ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा। फोर्थ, इट इज़ यूज द मैनुफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स जानते हैं, बोरेक्स नहीं सुना, कैरम बोर्ड खेला कभी, कैरम बोर्ड के ऊपर जो पाउडर डालते हैं वो बोरेक्स का बना, उसमें क्या बहुत बारीक बारीक क्रिस्टल्स होते हैं, उसको हल्का सा मारते हैं तो वो जो गोटी गोटी लुढ़कती भी जाती है एकदम से, बड़ा स्मूथ पाउडर होता है। फिर देखिएगा बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा देखेंगे, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि पहले ही स्टेप में मेरे को बेकिंग सोडा मिल चुका है, ठीक। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द सोल्यूशन, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाई कार्बोनेट, इट इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम और चना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाई रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन तो यही है सेम पहले वाला, तो ये जो तीन स्टेप्स थे वॉशिंग सोडा बनाने में, इसका जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में मेरे को बेकिंग सोडा मिल रहा है, ठीक है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज देखिए बेकिंग सोडा, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में बड़ी मुश्किल से घुलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिए, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन, ठीक है। माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेस होता है, होता तो ये बेस है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होता है, लेकिन ये जो है ना काफ़ी माइल्ड बेस होता है, मतलब कोरोड नहीं करता, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करता। एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या एक्शन होता है, हीट का एक्शन ये देख चुके हैं हम सेकंड स्टेप, अगर इसको हीट कर देते हैं तो सोडा ऐश बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेशन और वाटर बन जाता है, वही रिएक्शन यहाँ पर लिखकर दिखा रखा है एक्शन ऑफ हीट का, बताइए जी क्लियर, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लीजिए, तो यूजेस देखो, पहला है बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, तो अगर स्टमक में एसिडिटी हो गई तो बेकिंग सोडा अगर आपने खा लिया तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अच्छा, सेकंड देखिए, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड एटसेट्रा। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड, तो क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हमारे पास बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा जो है क्या है वो माइल्ड एल्कलाइन इन नेचर, यानी कि बेसिक है वो नेचर, ठीक। अब अगर हमने आटा लिया, आटा लेकर आटे के अंदर हमने क्या करा कि बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया, बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद हमने उसको माइक्रोवेव में रख दिया, ठीक है, या हमने उसको तवे के ऊपर ग्रिल करना शुरू करा, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आटे की जो लेयर है वो ऐसे फूटनी शुरू होगी और वो बड़ा स्पंजी बन जाएगा, वो ऐसा बनेगा जैसे कि ब्रेड, ब्रेड बन जाती है, इस तरह से घर में बनाई जा सकती है। तो आपने ब्रेड बनाई, अभी ब्रेड आप खा ही नहीं पा रहे, कड़वी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्यों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा मिला हुआ है उसको, बेकिंग सोडा क्या काम करेगा, बेकिंग सोडा जो है वो उसको फुला तो देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको आप खा नहीं सकते, वो कड़वी लगेगी, तो उसका कड़वापन कैसे दूर करा जाए, तो एकदम से दिमाग में आया कि अरे क्यों ना मैं इसमें एसिड मिला, एसिड मिलाऊंगा तो एसिड तो खट्टा है, ये कड़वा है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, तो जो ब्रेड होती है उसका कोई स्वाद होता है, कोई स्वाद नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक। वही काम यहाँ पर करा जा रहा है, तो उसमें एसिड कौन सा मिलाया जाए, विनेगर मिला दें, नहीं नहीं विनेगर तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या करते हैं इमली का जो पाउडर होता है वो मिला देते हैं, टार्टारिक एसिड, इमली में टार्टारिक एसिड होता है तो वो मिला देते हैं उसमें, तो वही इन्होंने करा, लिखा है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, एडिबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जो खाया जा सके, ठीक है, H2SO4 नहीं मिलाना उसके अंदर, पता चला वही हो गया काम, एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड, तो NaHCO3 प्लस एच प्लस आयन, यहाँ पर ऐसे दिया NaHCO3 प्लस एच प्लस, तो एच प्लस हमने कहा भाई एसिडिक एसिड ले लो, टार्टारिक एसिड ले लो, ऑक्सैलिक एसिड ले लो, थोड़ा दही ले लो जो खट्टा हो चुका है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा उसमें से, तो
तो कोई भी आप एडिबल एसिड यानी कि खाने वाला कोई भी आप एसिड यूज़ करेंगे तो आपको उसमें से एच प्लस एक्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। आपने उसको उसमें मिक्स करा, मिक्स करते ही क्या हो जाएगा, एन ए प्लस आए अलग प्लस सी ओ टू अलग प्लस एच टू ओ अलग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये होती है, आपने आटा लिया तो आटा आपने गूंद रखा है, उस गूंधे हुए आटे में आपने क्या करा, बेकिंग सोडा एन एच सी ओ थ्री डाला और थोड़ा सा उसमें आपने कुछ एसिड डाल दिया। क्वांटिटी बराबर रखेंगे, एक चम्मच अगर बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक चम्मच ही एसिड डालेंगे, ठीक है, बराबर। ये नहीं कि एसिड थोड़ा कम रह गया या एसिड थोड़ा ज़्यादा हो गया, एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेड खट्टी बनेगी। अब वो आपने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में आटे में मिक्स करा है इसको, इन दोनों चीज़ों को आटे में मिक्स करा है, गर्म करना शुरू करा। जब गर्म करना शुरू करेंगे तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा, सोडियम आयन वैसे भी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी के लिए अच्छा है, सोडियम उसमें रहेगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, वाटर जो है जब आप धीरे 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 गर्म कर रहे हैं तो जो वाटर है वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवेपोरेट होगी। तो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये दोनों के दोनों ना निकलेंगे गूंधे हुए आटे में मिक्स है ये सब, है ना। तो ये जब आप उसको गर्म करेंगे तो ये ऊपर जाना चाहेंगे, तो ऊपर जाएंगे और फिर हल्का सा एक होल बन जाएगा, छोटा सा बारीक सा होल बन जाएगा और फिर वो होल टूटेगा, उस टूटे हुए होल में से थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा वाटर वेपर बाहर, बाजू में थोड़ा सा होल फूटेगा थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा वाटर वेपर बाहर। तो इसीलिए ब्रेड स्मूथ तो नहीं दिखाई देती, ब्रेड पर छोटे 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 होल्स दिखाई देते हैं आपको, वो छोटे छोटे होल्स इसी चीज़ के हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। और जब वो निकलता है तो अपने साथ थोड़ा सा आटे को खींच के ऊपर ले आता है, थोड़ा सा बाजू से खींचा थोड़ा सा, तो धीरे 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 जो पतली सी लेयर आटे की थी वो फूल जाती है, समझ गए। ऐसे ही आपने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा, तो रोटी को जब तक तवे पर सेकते रहते हैं तब तक तो ठीक है। अब रोटी में भी जब आटा गूंधा हुआ है उसमें पानी तो होता है ना, तब तक तो सही है, सिक रही है। उसके बाद जब तवे पर से उतार कर उसको डायरेक्ट फ्लेम पर डाला तो इसका मतलब आपने उसके बेचारे की टेम्परेचर बढ़ा दिया, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट था वो एकदम बाहर निकलने की कोशिश करता है तो रोटी फूलती है, और जब रोटी फूलती है तो उस पर हल्का सा होल कर दो तो सारा भाप बाहर निकल जाता है। देखा होगा रोटी फूलते हुए घर पे, रोटी नहीं खाते, बड़ा अजीब निकाह से देख रहे थे, समझ में आ गया, ठीक है। होमवर्क तो कर लिया पूरा, यस सर, हाँ तभी तो पूछा। चलिए जी, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डो, गूंधे हुए आटे में कार्बन डाइऑक्साइड फंस के रह जाती है, एंड बबल्स आउट स्लोली, मतलब धीरे धीरे बबल्स बन बन कर फूट फूट कर निकलते हैं, मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज, वो जो केक या ब्रेड है उसको फुलाने में वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग केक और ब्रेड, अगर केक या ब्रेड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा ही यूज़ करा जाता है ना, तो क्या होता है, इज यूज इन मेकिंग केक और ब्रेड, द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग विल गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और ब्रेड, ये जो है उसको कड़वा स्वाद दे देता है अगर सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करा जाता है, क्योंकि वह बेस है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन ने क्या करा है, हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसका स्वाद जो है वो न्यूट्रल कर दिया। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन इट कैन रिएक्ट विद एनी सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड एंड न्यूट्रलाइज इट, न्यूट्रलाइज कर देता है, सही है। चलो देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करा जाता है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर है क्या सिलेबस में, देख लो दे रखा है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइम, जो स्लेट लाइम है यानी कि जो चूना है उसमें, बड़ी
वाइज प्लस सी एल टू, ये क्या मिलेगा मेरे को, सी ए ओ सी एल टू प्लस एच टू ओ, सी ए ओ सी एल टू प्लस एच टू ओ, यानी कि एक तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा, अरे जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसी को क्या बोलते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में ब्लीचिंग पाउडर आसानी से मिल जाता है और थोड़ा बहुत पोर्शन ऐसा है जो उसमें घुल नहीं पाता, तो द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर लाइम, लाइम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन, अगर उनको डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करा दिया जाए जैसे सी ए ओ सी एल टू प्लस एच टू एस ओ फोर, तो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा सी एस ओ फोर प्लस क्लोरीन प्लस एच टू, प्लस क्लोरीन प्लस एच टू, ये मिलेगा। उसके बाद देखेंगे द क्लोरीन प्रोड्यूस बाई द एक्शन ऑफ अ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीच का मतलब जानते हैं किसी चीज़ को वाइट कर देना, किसी चीज़ को सफेद कर देना, तो उसमें जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है उसी को हम ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वही क्लोरीन होता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखिए, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन टेक्सटाइल, कॉटन और लेनिन के जो कपड़े होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको वाइट कलर देने में काम आता है, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, तो मैंने आपको बताया था पेपर का जो पल्प होता है, पेपर का पल्प वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, उसमें अगर क्लोरीन को और या फिर इसको ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स कर देते हैं तो वो उसको वाइटनेस दे देता है, तो वाइट पेपर बनता ही क्लोरीन की या ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से। इट इज़ यूज इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम आता है लॉन्ड्री में। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिव ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने में, इन्फेक्शन हटाने में उसमें भी काम आता है। इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म्स, एचसीएल में क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो ऊन होती है ना ऊनी कपड़े जो होते हैं वो अनश्रिंकेबल बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ताकि वो सिकुड़े ना थोड़े से टाइट होकर। इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट इसमें बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये एक दो पेज का बचता है बस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कराए तो 10-15 मिनट इसमें लगेंगे और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए थैंक यू।